एक बार सुनने के बाद तो ऐसा लगा अच्छा गाना नहीं है, इसको नहीं सुनूंगा भाई, अच्छा नहीं लिखा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब, क्या बना दिए हो गुरु। अरे व्यास, ऐसा गाना कभी कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बनता है। आज शाम 4 बजे खेसारी भाई का एक ब्लास्ट गाना आया है जिसको लिखे अखिलेश कश्यप, उसका नाम है आवा पढ़े पटना। भैया मजाक मजाक में गाना लिख देते हैं अखिलेश कश्यप, हो जाता है सुपर हिट। 1 घंटे के अंदर इतना अच्छा खासा व्यूज प्राप्त कर लिया कि भैया ऐसा सोचा नहीं था। मुझे लग रहा था कि भैया ऐसे रेंडमली गाना डाल देते हैं, पता नहीं व्यूज आएगा कि नहीं आएगा। 3 बजे रिलीज करने को बोलते हैं, 5 बजे रिलीज करते हैं, तो ऐसे में जो है भैया ऑडियंस जो है बढ़ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन 1 घंटे का व्यूज देखने के बाद लगा, रे भाई क्या लिख दिए हो, क्या बना दिए हो, क्या गा दिए हो। एक बार सुनने के बाद तो ऐसा लगा अच्छा गाना नहीं है, इसको नहीं सुनेंगे भाई, अच्छा नहीं लिखे हैं। फिर 2 बार सुना और मजा आया, 3 बार सुना और मजा आया। तो भैया जब अखिलेश कश्यप गाना लिखते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि मैं गनवा जब लिखूंगा तो गनवा चलेगा। और जितना भी आज तक खेसारी भाई के लिए अखिलेश कश्यप गाना लिखे हैं, अरे बाप रे बाप, बतिए ना करो, लहंगा से लेके चुनरी से लेके जितना भाग के बरदान से लेके सब गनवा जो सुपर हिट है, कजरा हो झगड़ा हो, और ये गनवा सुपर हिट ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। खेसारी भाई मजाक मजाक में पूरे नगटे होके गनवा गाए हैं, वो और ही फील दे रहा है और विरोधियों को और जलन हो रहा है। और गनवा सुपर नहीं होगा, सुपर हिट नहीं होगा तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि खेसारी भाई कभी भी किसी वक्त भी कैसा भी गाना गाए वो भैया चलना ही चलना है। देख लो 2-3 गाना अभी ट्रेंडिंग में होगा, जाके उठा के देख लो। और ये गाना मुझे लग रहा है कि स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से आया है, तो स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से जब भी खेसारी भाई का गाना आता है तो वो चांस होता है कि ट्रेंडिंग में जा सकता है। क्योंकि 1 घंटे के अंदर जो है इस पे व्यूज 28,000 है, और व्यूज नहीं लाइक्स 28,000 है, और लाइकवा जो है शायद 10,000 दिखा रहा है। अगर रियल टाइम देखा जाए, 2 घंटे से पहले देखा जाए, 2 घंटे से 1 मिनट पहले, तो इस पर मुझे लग रहा है कि 48,000 लाइक्स है, 48,000 लाइक्स है और कुछ 10,000 व्यूज है। यहाँ पे समझ में आ गया ना, इसका मतलब रियल टाइम व्यूज इस गाने का कुछ नहीं तो 3 लाख से कम नहीं हो सकता है। क्योंकि खेसारी भाई का जब 50,000 लाइक्स आते गाने पे, तो उस पर अगर रियल टाइम व्यूज देखा जाए तो कुछ नहीं तो 5 लाख व्यूज होते हैं। और ये गाना भैया गुरु सुपर हिट है, मजा आ गया गाना सुनने के बाद, क्योंकि खेसारी लाल यादव है, चाहे गुनगुना दे चाहे कुछ भी कर दे, गाना जो है सुपर हिट हो जाता है। इसमें एक निशा सिंह भी है गाने में, जो कि खेसारी भाई की फैन है, इसीलिए शायद खेसारी भाई उनसे गवाए हैं। और म्यूजिक चाहे रोशन सिंह ने म्यूजिक दिया है इसमें, स्पीड रिकॉर्ड से इसको रिलीज किया गया है, स्पीड रिकॉर्ड से इसलिए रिलीज किया गया है क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कॉपीराइट स्ट्राइक ना मारे इसको। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारता तो इस गाने को अन्नपूर्णा फिल्म से रिलीज किया जाता, आप सबको पता है। लेकिन यही कॉपीराइट स्ट्राइक का झमेला चल रहा है, इसीलिए जो अन्नपूर्णा से नहीं रिलीज किया गया, स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी से रिलीज किया गया है। बाकी तो अब देखते हैं कितने दिन तक इधर उधर चैनल पे रिलीज होता है, एग्रीमेंट तब तक नहीं आ जाता है। बाकी आप सबको क्या मानना कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए इस वीडियो के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, चलते हैं, नमस्कार।